अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो हमने 8 चैप्टर स्टार्ट कर रखा है केमिकल इक्विलिब्रियम, और उसके अंदर लेक्चर नंबर 13 जो है वो डिस्कस कर रहे हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है वो हमने देखना है। तो वाटर, सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि वाटर जो है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब, इलेक्ट्रोलाइट क्या होती है पहले या आपको ये पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है कि कोई भी ऐसी स्पीशी, कोई भी ऐसा लिक्विड जो कि आयंस के अंदर कन्वर्ट हो सकता होगा, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो वाटर एक क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। और जब ये आयोनाइज होता है, जब ये आयंस के अंदर कन्वर्ट होता है, तो ये हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयन बनाता है। ठीक है जी, तो ऐसे रिएक्शन होगा इसका। वाटर जो है वो आयोनाइज होगा, और आयोनाइज होकर क्या बना देगा, हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्सल आयन जो है वो क्या कर देता है, बना देता है। अब यहां पर जो है आपने ये पॉइंट लाजमी लिखना है कि वाटर क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है जी, तो वाटर क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है, इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि आयंस के अंदर कन्वर्ट होना। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये हो जाएगा कि ये बहुत कम आयंस के अंदर कन्वर्ट होता है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि ये बना सकते हैं। और यहाँ पर एक और रिएक्शन भी अक्सर लिखा जाता है कि वाटर जो है एक और वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलता है। ठीक है जी, वाटर जो है एक और वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलता है, और यहाँ पर जो है रिएक्शन बेसिकली ये होगा कि ये जो ऑक्सीजन है ये इसके एक हाइड्रोजन को निकाल के और हाइड्रोनियम आयन बना देता है। हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव, और साथ में यहाँ से जब हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ये हाइड्रोक्सल आयन बन जाएगा। ये रिएक्शन एक्चुअल में होता है, लेकिन हम लिखते ये हैं क्योंकि ये ज़्यादा फिजिबल रिएक्शन है। तो वाटर जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो चुका है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो यहां पर हम अगर केसी लिखेंगे तो केसी क्या आ जाएगा हमारे पास, तो केसी के अंदर हम क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट्स को ऊपर रखते हैं और रिएक्टेंट्स को डेफिनेटली नीचे रखते हैं। तो प्रोडक्ट हमारे पास ये दोनों चीजें हैं, तो हाइड्रोजन आयन आ गया और हाइड्रोक्सल आयन आ गया, और नीचे क्या आ गया, वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा। अब वाटर मॉलिक्यूल हमने कहा है कि वाटर क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये है कि ये बहुत कम आयंस के अंदर कन्वर्ट होता है। सिंपली ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर लेट्स से मैं कह देता हूँ कि 20,000 मॉलिक्यूल हैं, तो 20,000 में से सिर्फ दो मॉलिक्यूल, क्योंकि बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बहुत कम आयन बनाता है, लेट्स से मैं कह देता हूँ कि 20,000 में से सिर्फ कितने बनाता है, दो आयंस आगे बना रहा है, तो पीछे कितने बच जाएंगे, 19,998। तो इसकी कंसंट्रेशन में ऑलमोस्ट जो है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और इसकी कंसंट्रेशन में चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है जी, तो इसकी कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो अब इसकी जो केसी की वैल्यू आती है वो आती है 1.8 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू पावर क्या आ जाती है, -16 जो है वो आ जाती है यहां पर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर ये वाली चीज जो है वो कांस्टेंट है तो डेफिनेटली कांस्टेंट की तरफ ही ले जाते हैं, क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन हमने क्या कहा है कि कांस्टेंट रहती है, तो कांस्टेंट के साथ ही लिख देते हैं। तो वाटर की कंसंट्रेशन इसके साथ मल्टीप्लाई हुई और ये इक्वल आ जाएगा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, और साथ में क्या है, हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन है। ठीक है जी, अब जब ये जो है वाटर की कंसंट्रेशन, अब यहां से निकालेंगे हम किसी भी तरीके से, और ये इक्वल है 1.8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -16 के इक्वल है। अब वाटर की कंसंट्रेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, तो वाटर की कंसंट्रेशन के लिए एक सिंपल फार्मूला है कि डेंसिटी ओवर हम क्या कर देते हैं, उसका मोलर मास जो है वो कर देते हैं। वाटर की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो कितनी होती है, 1000 अगर हम कहें यहाँ पर ग्राम पर क्या हो जाएगा, डेसीमीटर क्यूब। ठीक है जी, और वाटर का जो मोलर मास होता है, मोलर मास ऑफ वाटर, अगर मोलर मास को देखेंगे तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है, 1000, और मोलर मास कितना होता है, 18 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है जी, अब यहां पर हम करते क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर को डिवाइड कर देते हैं मोलर मास ऑफ वाटर के साथ। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, यहां पर जब डिवाइड का ऑप्शन यहां पर लगा देंगे तो डेंसिटी बटा क्या आ गया, मोलर मास, और जब डेंसिटी बटा मोलर मास अगर हम करते हैं तो यहां पर कितनी आ जाती है, कंसेंट्रेशन का यूनिट आ जाता है। जैसे यहां पर देखें कि कितना आ जाएगा, यहां पर ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, और जब ये मोल ऊपर जाएगा तो इसका यूनिट आ जाएगा मोल
और ये आ जाएगा पर डेसीमीटर क्यूब। और मोल पर डेसीमीटर क्यूब किस चीज का यूनिट होता है? कंसंट्रेशन का। तो यहां से हम बेसिकली क्या मालूम करें, डेंसिटी बटा मोलर मास करके हम कंसंट्रेशन जो है वो मालूम कर सकते हैं। ठीक है जी, मोल पर डेसीमीटर क्यूब किस चीज का यूनिट होता है? कंसंट्रेशन का। तो यहां से हम कंसंट्रेशन मालूम कर सकते हैं। तो कंसंट्रेशन कितनी आएगी यहां से, अगर हम यहां पर जब डिवाइड करते हैं तो ये आ जाती है 55.5। तो वाटर की जो कंसंट्रेशन आई है वो कितनी आ गई है? 55.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब कंसंट्रेशन आ गई है। तो हम यहां पर क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो Kc मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, 55. ठीक है जी, तो 55. क्या आ जाएगा, 5, और इक्वल आ जाएगा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और साथ में क्या है, हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन है। अब ये जो है हमारे पास Kc मल्टीप्लाई बाय वाटर की कंसंट्रेशन, इसको Kw भी कह देते हैं। ठीक है जी, तो ये क्या है, Kw। अब Kc को अगर Kc की वैल्यू कितनी थी हमारे पास शुरू में, 1.8 मल्टीप्लाई बाय 10^-16, और जब 55.5 के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आता है ऑलमोस्ट 100, और साथ में क्या आ जाता है, मल्टीप्लाई बाय 10^ क्या आ जाएगा, -16। ठीक है जी, 55.5 जो है 1.8 से मल्टीप्लाई होता है, ऑलमोस्ट क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। ठीक है जी, और जब ये सिफरें खत्म होंगी तो इन सिफरों को आगे लेके जाते हैं तो ये माइनस जो है दो सिफर खत्म कम हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10^ क्या आ जाएगा, -14 आ जाएगा। और ये हमारे पास वैल्यू आ गई है किस चीज़ की, Kw की। और Kw जो है वो इक्वल है, अभी हमने कहा था कि Kw किस चीज़ के इक्वल है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन के। तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन हमारे पास अगर दोनों को प्रोडक्ट लें तो वो किस चीज़ के इक्वल आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 10^-14, और वो किस चीज़ के इक्वल है, Kw के। ठीक है जी, अगर हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मुताबिक देखें तो अगर हम यहाँ पर देखें तो एक मोल अगर वाटर का मॉलिक्यूल है तो एक मोल ही क्या बनता है, हाइड्रोजन आयन, और एक मोल ही क्या बनता है, हाइड्रोक्सल आयन बनता है। ऐसे ही है कि यहाँ पर क्या होता है कि अगर ये एक मोल है तो ये भी कितना बनता है, एक मोल बनता है। तो डेफिनेटली अगर हम देखेंगे सोल्यूशन के अंदर या वाटर के अंदर, जब वाटर आयोनाइज हो रहा होगा तो उसके अंदर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या रहेगी, बराबर रहेगी। अगर बराबर है तो लेट से हम कह देते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल है किस चीज़ के, हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन के, क्या है, इक्वल है। तो हाइड्रोजन आयन की हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन के इक्वल है, तो मैं यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन है तो एक की जगह पर मैं क्या पुट कर सकता हूँ, हाइड्रोक्सल आयन की जगह पर हाइड्रोजन आयन की मिकदार भी पुट कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों की मिकदार इक्वल है। जैसे मैं कह देता हूँ कि इसकी भी 15 है और इसकी भी 15 है, तो इसकी 15 की जगह पर मैं इस वाली जो है वैल्यू पुट कर सकता हूँ डेफिनेटली। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजन आयन दोनों क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन आयन आ जाएंगे। ठीक है जी, तो हाइड्रोजन आयन यहां पर आ गया है और साथ में एक और हाइड्रोजन आयन आ जाएगा, हाइड्रोक्सल आयन की जगह पर मैंने क्या पुट कर दिया है, हाइड्रोजन आयन ही पुट कर दिया है। तो इसकी कंसंट्रेशन और ये इक्वल किस चीज के है, 1 मल्टीप्लाई बाय 10^-14। ठीक है जी, अब यहां पर जो है हाइड्रोजन आयन का क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन का स्केयर आ जाएगा। ठीक है जी, और ये इक्वल आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10^-14, और 1 को लिखे चाहे ना लिखे तो बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम इसको क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। लिखना है तो लिख दें, लेकिन अगर नहीं लिखेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब यहां पर हम क्या करते हैं, स्केयर को खत्म कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम क्या लेंगे, स्केयर अंडर रूट लेंगे। ठीक है जी, तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का स्केयर है और साथ में क्या है, 10^-14 है, तो इसका हम क्या ले लेते हैं, स्केयर अंडर रूट, और यहां पर भी हम क्या ले लेते हैं, अंडर रूट ले लेते हैं। और जब अंडर रूट लेते हैं तो स्केयर और अंडर रूट जो है वो एक दूसरे से कैंसिल होंगे, तो हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल आ जाएगी, 10^ कितनी आ जाएगी यहां पर, -7 आ जाएगी। ठीक है जी, तो 10^-7 जो है वो क्या गया, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आ गई है। अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ये है तो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन एक दूसरे के बराबर है, तो यहां पर हमारे पास हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन भी कितनी आएगी, हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन भी 10^ कितनी आएगी, -7 आएगी। क्लियर हो जाएगी बात। तो अब यहां पर हम कह सकते हैं कि न्यूट्रल वाटर जो होता है, ये न्यूट्रल वाटर है, इसके अंदर ना हमने कोई बेस ऐड कर रखा है ना ही कोई एसिड ऐड कर रखा है। तो न्यूट्रल वाटर के अंदर क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है। ठीक है जी, तो अब ये जो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन है ये चेंज भी हो सकती है, डेफिनेटली चेंज हो सकती है, कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हाइड्रोक्सल आयन से ज़्यादा हो सकती है और हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन से भी ज़्यादा हो सकती है। तो वो किस सूरत में होगा वो हम देख लेते हैं।
तो पहला केस क्या हो सकता है कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो हाइड्रोक्सल आयन से कब ज्यादा हो सकती है, ठीक है जी। तो ये हमने देखना है। तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन उस वक्त ज्यादा हो सकती है जब हम क्या करते हैं, इसके अंदर एसिड ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं? एसिड। तो जब एसिड ऐड करेंगे तो एसिड जो है, हमने आर्हीनियस का नजरिया पढ़ रखा है, आर्हीनियस के नजरिए के मुताबिक एसिड जो है हाइड्रोजन आयन को डोनेट करते हैं, प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, ठीक है जी। तो अगर वो हाइड्रोजन आयन दे रहा है, डेफिनेटली हाइड्रोजन आयन की मिकदार पहले से वाटर भी दे रहे हैं, वाटर भी हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है और एसिड भी हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा, तो हाइड्रोजन आयन की मिकदार क्या हो जाएगी, हाइड्रोक्सल आयन से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये जो केस है ये कब अप्लाई होगा, जब हम क्या ऐड करेंगे, व्हेन एसिड इज एडेड, ठीक है जी। तो एसिड को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो हाइड्रोक्सल आयन से ज्यादा हो जाएगी। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाए और हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा हो जाए। तो हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन कब ज्यादा हो सकती है, डेफिनेटली हम बेस ऐड करेंगे। तो हमने आर्हीनियस के नजरिए के मुताबिक पढ़ा है कि जब बेस को ऐड किया जाता है वाटर के अंदर तो क्या करता है, वो हाइड्रोक्सल आयन को डोनेट करता है, हाइड्रोक्सल आयन दे देता है सोल्यूशन के अंदर। तो एक तो बेस हाइड्रोक्सल आयन दे रहा है और दूसरा वाटर दे रहा है, तो दोनों के मिलने की वजह से दोनों जो है वो क्या करेगा, हाइड्रोक्सल आयन दे रहे हैं, तो हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और ये किस केस में है, व्हेन बेस इज एडेड, ठीक है जी। तो व्हेन बेस इज एडेड तो फिर क्या हो जाता है कि यहां पर जो है व्हेन बेस इज एडेड तो हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है। अब यहां पर हमने ये जो वैल्यूज है ये मालूम कर ली और साथ में हमने ये निकाल लिया। अब हमने मालूम करना है पीएच और पीओएच, ठीक है जी। तो पीएच और पीओएच कैसे मालूम कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। पीएच एंड पीओएच, अब पीएच और पीओएच कैसे मालूम करेंगे, तो डेफिनेटली हमारे पास जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, बहुत छोटी होती है, 10^-7 जो है वो बहुत छोटी है। कितनी छोटी है ये हम देख लेते हैं, 10^-7, 10^-7 जो है वो इतनी छोटी है, 0.000। अब यहां पर -7 है तो 3 0 और 3 0 और 1, अब ये इतनी छोटी वैल्यू है, 0.60 और साथ में फिर 1 आ गया है। तो इतनी छोटी वैल्यूज जो है उसको हम कैलकुलेशन के अंदर मालूम नहीं कर पाते, उनको सही तरीके से डील नहीं कर पाते, तो इसलिए हम क्या करते हैं इसको किसी बड़ी वैल्यू के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। और बड़ी वैल्यू के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन वो कितनी आई है हमारे पास, 10^-7 है, ठीक है जी। तो इसका हम क्या ले लेते हैं, नेगेटिव लोगरिथम ले लेते हैं, नेगेटिव लोगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, तो नेगेटिव लोगरिथम आ जाएगा 10^-7 का आ जाएगा। तो नेगेटिव लोगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या कहलाता है, पीएच, ठीक है जी। और यहां पर जब नेगेटिव लोगरिथम ले रखा है तो ये जो -7 है ये कहाँ चला जाएगा, पीछे, ये आपने लोगरिथम के जो लास्ट बिट रखे हैं उनके मुताबिक है। तो -7 जो है जो पावर होती है वो पीछे चली जाती है, तो -7 इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके क्या बना देगा, +7, और लॉग की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10, ठीक है जी। और लॉग 10 जो होता है वो इक्वल आ जाएगा +7 × 1, और ये आ जाएगा 7। तो पीएच जो है वो इक्वल आ गई है किस चीज के, 7 के इक्वल, ठीक है जी। पहले बहुत बड़ी वैल्यू थी, सॉरी बहुत छोटी वैल्यू थी, 10^-7, जिसको हम कैलकुलेशन के अंदर डील नहीं कर पाते, लेकिन हमने क्या कर दिया है उसको 7 के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। अब जो 7 है उसको हम आसानी से किसी भी कैलकुलेशन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास ओ एच, नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन भी डेफिनेटली बहुत छोटी है, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं कि यही फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन और वो है 10^-7, तो इसके लिए भी हम क्या लेंगे, नेगेटिव लोगरिथम हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन और 10^ क्या आ जाएगा, माइनस सॉरी लोगरिथम आ जाएगा माइनस लोगरिथम 10^-7। अब माइनस लोगरिथम ओ एच की कंसंट्रेशन, इसको कह देंगे पी ओ एच आ जाएगा, और ये जो है -7 जो है पीछे जाके इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा +7, और लॉग क्या आ जाएगा, 10, ठीक है जी। और पी ओ एच जो है वो हमारे पास आ जाएगा +7, और log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो पी ओ एच जो है वो इक्वल आ जाएगा 7 के। तो पी एच भी किस चीज के इक्वल आ गया है, 7 के, और पी ओ एच भी किस चीज के इक्वल आ गया है, 7 के। तो यहां पर हम एक इक्वेशन बना सकते हैं कि पी एच प्लस पी ओ एच, ठीक है जी, वो कितना आ जाएगा, 7 प्लस 7 कितना आ जाएगा, 14,
14। तो pH plus pOH क्या होता है, किस के इक्वल होता है, 14 के इक्वल होता है। तो यहां पर हमने क्या कर लिया है, pH और pOH जो है वो मालूम कर दी है, और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी हमने पूरा टॉपिक आई थिंक डिस्कस कर लिया है, ठीक है जी। तो यहां पर जो है हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की है वो हम एक मरतबा फिर रिपीट कर लेते हैं। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के अंदर वाटर जो है वो आयनाइज होगा हाइड्रोजन आयन, और क्या बनाएगा, हाइड्रोक्सल आयन बनाएगा। अब हमने कहा है कि वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो बहुत कम आयनाइज होता है, तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं। अब ये वाले रिएक्शन जो है बस वैसे समझाने के लिए आपको बताया था, ये आपने लिखना नहीं है और ना ही इसको याद रखना है, बस हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि होता क्या है बेसिकली, कि हाइड्रोजन आयन डेफिनेटली क्या करेगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो एक्सेप्ट करके हाइड्रोनियम आयन, और ये दूसरा क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्सल आयन। होता वो रिएक्शन है, मतलब रिएक्शन हो रहा ये है लेकिन हम लिखते ये हैं, तो ये लिखते हैं तो डेफिनेटली इसके मुताबिक ही हमने क्या लिखना है, केसी की वैल्यू लिखनी है। तो केसी किस चीज़ के इक्वल आएगा, प्रोडक्ट ऊपर रखने हैं और रिएक्टेंट को हमने नीचे रखना है, और ये केसी की वैल्यू कितनी आती है, 1.8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -16 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। फिर उसके बाद kW की वैल्यू जो है वो कितनी आती है, जब हम क्या करेंगे, अब हमने कहा है वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब बहुत कम आयनाइज होता है, तो इसकी कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी, ये आयन बहुत कम बनाएगा, तो इसकी कंसंट्रेशन अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के साथ लिख देते हैं, और वो किस चीज के इक्वल आ जाता है, kW के। और वाटर की कंसंट्रेशन हमने मालूम की, और ये कैसे मालूम की, डेंसिटी बटा मोलर मास कर दिया, तो कितनी आ गई, 55.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। जब इसको मल्टीप्लाई किया केसी के साथ तो ये आ गई हमारे पास 1 × 10⁻¹⁴ आ गई, ठीक है जी। और ये जो आई है हमारे पास, टेम्परेचर कितना है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये जो है डेफिनेटली kW की वैल्यू जो है वाटर टेम्परेचर के साथ क्या होती है, चेंज भी होती जाती है, ठीक है जी। अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो है वो आयोनाइज होंगे, तो ज़्यादा जो है kW की वैल्यू आएगी, और अगर हमारे पास क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा तो डेफिनेटली कम होगी। तो यहाँ पर मैं तीन वैल्यूज जो है वो लिख कर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, लेट से, ठीक है जी। तो एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड तीन टेम्परेचर कौन कौन से है, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड और एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इन पर देख लेते हैं कि kW की वैल्यू जो है वो कैसे हम निकाल सकते हैं। तो एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है kW की वैल्यू जो होती है वो होती है 0.11 × 10⁻¹⁴, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है 1.0 × 10⁻¹⁴, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है kW 7.5 × 10⁻¹⁴। तो अगर हम देखें कि टेम्परेचर जब 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचा है तो kW की वैल्यू जो है ऑलमोस्ट 75 टाइम्स इंक्रीज हो चुकी है। कितनी, 75 टाइम्स का कैसे पता चला, कि अगर इसको 75 से मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके ये आता है 7.5, ठीक है जी। तो 75 टाइम्स जो है वो इंक्रीज होगी। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वाटर की आयोनाइजेशन जो है वो ज्यादा हो जाती है, आयन्स ज्यादा बनते हैं, जिसकी वजह से kW की वैल्यू भी क्या होती है, ज्यादा हो जाती है, क्योंकि kW जो है वो किस चीज के इक्वल है, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयन। जब ये आयन्स ज्यादा बनेंगे तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, क्लियर है। फिर उसके बाद हमने कहा कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है और एक दूसरे के इक्वल होती है, तो हम क्या करते हैं, एक की जगह पर दूसरे को पुट कर सकते हैं, तो दूसरे को पुट किया और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का स्केयर आ गया, और फिर हमने क्या निकाल लिया, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन भी और हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन भी। फिर हमने कहा कि एसिड अगर ऐड करते हैं तो एसिड क्या डोनेट करेगा, हाइड्रोजन आयन, और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, और जब हम बेस ऐड करेंगे तो हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो बेस जो है हाइड्रोक्सल आयन को डोनेट कर रहा होगा। फिर हमने कहा कि ये जो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन है ये बहुत कम होती है, बहुत छोटी होती है, इसको आम कैलकुलेशन के अंदर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इसलिए हम क्या करेंगे, नेगेटिव लॉग ले लेंगे ताकि इसको बड़ी वैल्यूज के अंदर कन्वर्ट कर दें। तो हमारे पास pH और pOH दोनों चीजें, pH भी कितनी आई है 7 और pOH भी कितनी आई है 7, तो pH plus pOH के चीज के इक्वल आ जाएगा 14 के इक्वल आ जाएगा। तो ये था हमारे पास आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। नेक्स्ट जो हमने टॉपिक स्टडी करना है वो आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड देखेंगे, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस देखेंगे, परसेंटेज आयनाइजेशन देखेंगे, और लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस जो नजरिया है वो भी हम उसी टॉपिक के अंदर करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।